चाय पीना क्या? चाय देखो कौन आया, बाहर निकल जल्दी। ये सबसे पहले हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से हमारे गांव से। और ताऊ जी मेरे को शायद देख रहे हैं या नहीं देख रहे? ताऊ जी मुझे देख रहे हैं, ऊपर से दिल्ली से आ रखे हैं। और उधर से इतना मौसम खराब हो गया ना, मतलब कि उधर हमारे गाँव के बिल्कुल सामने है धारकोट गाँव और उधर मौसम वहाँ हाँ तो इंद्रधनुष रेनबो ठीक है तो लग गया है उधर। ये आप गाड़ वही रहे देखना वो सामने देख। तो ये वाला कमरा है हमारा, ये सबसे पुराना बना था 95 में। ए लाइट चली गई, इन्होंने क्या शायद बाहर से बंद। तो ये हमारा सबसे पुराना कमरा है जिसपे मेहनत की हुआ वो काम। तो ये लोग इस वाले कमरे में मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा बीच का सामान बना उधर वाले कमरे में रहता था लेकिन इस बार खराब हो रखा है वो वाला, तो इसी में रखा हुआ है। क्यों रहे यहाँ, क्यों रहे? शाबाश हाय ईशा, बोलो चंडिका माता इनको पावर दो। साइड में कील है, चलो 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 शाबाश शाबाश। शर्मा कहाँ बनाई छोड़ मम्मी, शर्मा कहाँ मतलब साइड में कराइए था, साइड में जो डिस्टर्ब ना करोगे कुछ भी काम में। तो इस तरीके से इन्होंने ये बाहर कर दिया। अब मेरा काम है इस कमरे की सफाई है मम्मी। अगले एक घंटे मैं यहाँ पे लगातार सफाई करूंगी। इतनी सारी चीजें हैं खाने के लिए लेकिन अफसोस कि मैं नहीं खा सकती। मेरा डेडिकेशन इस बार इतना खतरनाक है कि मतलब मैं कर रही हूँ 10-12 दिन से उसको फॉलो। और थोड़ा सा अंतर भी है, पेट भी अंदर चले गया। झाड़ू कहाँ है? ये सब मम्मी की गलती की वजह से। मम्मी तो मतलब दीवान पे काम नहीं है बिल्कुल नहीं ले। किसने बनाया था ये, किसने बनाया था? सरमन कितने 2001 में, 2003 में, एक में। ये वही दीवान है ये मम्मी। जब तू तो कह रही थी कि मैंने जब से सेविंग करनी शुरू की तो मैंने सबसे पहले मेरी मम्मी इस दीवान की चुप हो जा। मेरी मम्मी इस दीवान की एक कहानी सुना दी है कि जब मैंने सेविंग करनी स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने एक दीवान लिया था। तो ये वही दीवान है, इसको 25 साल हो गए। 4,000 बहुत महंगा, 2001 मंगे बात 23 साल हो गए। 2001 गंदगी में फैलना। तो पूरे चारों तरफ से मौसम खराब हो गया है। ऐसे ही होता है कि चारों तरफ मौसम खराब लगने लग गया तो इसका मतलब बारिश आने वाली है। हवा भी चल रही है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी अंदर कपड़े संभाल रहे हैं। जब हम लोग आए थे तो ये पूरी आगे की सीटें भरी हुई थी लेकिन अब ये क्या हो गई है, अभी खाली हो गई है क्योंकि हम लोगों ने भाई एक काम नहीं करना पता हेल्प। उस दिन भी जब ये हम लोग आए थे ये चले गया था, आज भी चले गया। काम कर अपने, ऐसे थोड़ी हो तुम लड़के हो तुमको खाना नहीं बनाना, तुमको कोई और काम नहीं करना बेवकूफ। यहाँ सामने देखो बिल्कुल इंद्रधनुष लग गया है। क्या ये खा लिया था? ये मेरा जैकेट सूखा है मम्मी, कर जैकेट कहाँ रखूँ मैं? इधर वाले कमरे में लग गए काल कट यो पांच जैकेट टांग चल इधर दौड़ तभी था थोड़ा समय की ना बस। इसको क्या करें, इसको साइड में रहने दे अभी, जब आई जाएगी तब तो इसको लास्ट में रखेंगे यहीं पे किनारे पे। ये तो बड़े से शोर होता है। अच्छा ना ये बात थोड़ी सी कोई काम नहीं दादा, नाना मैं उनको दिखाएंगे दादा। ठीक है ठीक, मैं स्वेटर लेके आ रही छत से तेरी। ये वाला एड्रेसी तो यार खराब ही है, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें कुछ ख़राब है, कुछ सामान हमने फेंकना है तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज़ फेंकनी है कौन सी रखनी है। तो कीर्तन में नहीं कि मैं सोच रही कीर्तन में जा रही। तो यहाँ पे बच्चे लोग ट्यूशन पढ़ रहे हैं और जैसी बारिश आएगी तो ये भी भागेंगे नीचे। पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई के टाइम पर बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करती। ये हो रखा है ख़राब, इसको मैं भीगने देती हूँ। और क्या क्या संभालूँ ये, मतलब वैसे तो ये गीले ही हो रखे हैं, मैं थोड़ा सा रखे थे लेकिन पूरा इनको गीला नहीं करते।
कर कर मम्मी काम कर। मम्मी ये गद्दा वहीं से खींच नीचे से, ठीक है। वो जाने लग गया था, हमने उसको रोक लिया। इसका यही काम है, जैसे ये देखता है ना कि यहाँ, हाँ इंद्रधनुष से सामने दो दो इंद्रधनुष लगे हुए। ये देखिए सूरज ने सबसे पहले यहाँ पे झंडा लगा दिया और उसके पीछे है रेनबो। मौसम ऐसा अच्छा हो रहा है, मैं सुंदर भी हो रही हूँ। कोई मुझे बोल रहा था कमेंट करके कि कितने तेज़ इंद्रधनुष आ गया यार। कोई मुझे बोल रहा था कि हाँ तुम किस बात का कमेंट खाती हो, तुम्हारी जैसे शक्ल वाली हमारे यहाँ बर्तन मांझती हो। भाई मैं अभी बर्तन ही मांझ रही हूँ, मैं कौन से क्या कर रही हूँ। और हो मुझे तो बर्तन ही मांझने कि तुम्हें किसने बोला मुझे सुंदरता का घमंड है, वो तो है नहीं, वो तो कभी कभी होती है। तो मुझे बर्तन ही मांझने का घमंड है क्योंकि हर कोई नहीं मांझ सकता, और मुझे अपने नॉलेज का भी घमंड है। अगर किसी को मेरे से कॉम्पिटिशन करना है तो आ जाना, ठीक है। मुझे शक्ल सूरत का किसी का नहीं है, मुझे नॉलेज का घमंड है। अगर तुमको मुझसे कॉम्पिटिशन करना है तो बिल्कुल आ सकते हैं। वैसे ये क्या करता रहता है यार। वैसे बारिश आना भी अच्छा है क्योंकि धूल होती रहती है ना, तो मतलब धूल की वजह से थोड़ा सा गले पे लग रहा है, तो जितना गीला गीला सा रहेगा तो फिर धूल हट जाएगी, तो फिर सफाई करने के लिए भी ठीक होगा। वैसे तो एक दो दिन से हमने बहुत ज़्यादा करी ली है, मतलब लगातार लगातार पूरे पूरे दिन भर। हम लोग सुबह 7 बजे उठ रहे हैं और शाम को कितने बजे तक, मतलब 6 बजे तक तब बैठते हैं हम, दिन में भी नहीं बैठ रहे क्योंकि आज गर्मियों की क्या ही, ठंडियों की क्या ही दिन। मैं एक गागर पानी लेने के लिए जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ तो टंकी का पानी आ रहा है। टंकी भी है, दूसरा नल भी है, लेकिन कम कम पानी आता है, तो इसलिए मैं एक गागर पानी ले लेती हूँ। क्योंकि जैसी बारिश आएगी, अगर ज़्यादा आ गई तो ऊपर रास्ते ख़राब हो जाएंगे, और उससे क्या दिक्कत हो जाएगी, उससे क्या दिक्कत होगी लकी, उससे पानी गंदा हो जाएगा। मैं जहाँ जा रही हूँ यही दिख रहा है ना, हाँ ये फ़ोन पर बात करने के लिए ऐसे कोने ढूंढ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ताऊ जी प्रणाम। क्या आगा अगर ताऊ जी, हाँ। तो ये जहाँ पे मैं पानी भर रही हूँ अभी, पहले क्या होता था, हम लोग यहाँ पे 4-5 परिवार रहते हैं। एक मतलब पूरा हमारे सिलोड़ी लोगों का परिवार है 3-4, और बाकी एक है बिनी दीदी लोग, बिनी दीदी, और ये हैं यहाँ के सबसे लफंडर। तो बिनी दीदी लोग रहते थे यहाँ पे, ठीक है। तो वो मतलब हम 4-5 तो हम सब यहीं पे पानी भरते थे, लेकिन अब क्या हुआ, सब ने अपने अपने घर में पानी लगा दिया, खाली मनोज भैया लोगों ने भी नहीं लगाया था। इस खेत में हमारी हल्दी हो रखी है, और वो वाला खेत है वो रामलीला वाला खेत है, यानी वो पांचों परिवारों का हमारा एक ही खेत है, और उस खेत में हम पांचों लोगों के मतलब कुछ ना कुछ होता है। तो हमारे कोई भी फंक्शन होते हैं तो उसी खेत में होता है, रामलीला भी वहीं पर होती है। तो सब लोगों ने अपने साइड सफाई कर ली है, हमको भी वहाँ पर करनी है, हमें ये हल्दी भी साफ़ करनी है, बाकी सब ने चारों तरफ सफाई कर ली, क्योंकि अब एक दो दिन में शादी तो होने ही वाली है। एक चीज़ बढ़िया हो रही है, रास्ता बना रखा है। पहले यहाँ पे रास्ता ख़राब था, तो मेरी भाभी क्षेत्र पंचायत सदस्य है, ये तो सर दर्द हो रहा है। पहले हम रोज़ लाते थे सर में हर पानी, मतलब हर छोटी चीज़ के लिए हम लोग ऊपर से ही पानी लाते थे, अब आदत टूट गई ना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और हमारा घर है रास्ते का, मतलब यहाँ से रास्ता गुजरता है, तो इस तरह से नज़र आता है, कुछ साइड से ऐसा दिखता है। चाय क्यों इतना भी क्या है, ये देखो मम्मी कैसे बूढ़ी दादी की तरह बैठी हुई। मम्मी कोई बात नहीं, चिंता मत कर, यहाँ पे काम है बहुत सारी चीज़। अगर यहाँ पे हम गंदे भी लगेंगे तो आप लोगों को तो पता ही है ना, हम अच्छे भी दिखते हैं, है ना, तो लोगों को तो सब कुछ ही पता है। तो इतना मैं काम है जो कोई बात नहीं, जिस दिन हम लोग पार्टी वगैरह में जाते हैं उस दिन अच्छे नहीं लगते, जिस दिन हम गंदे लगेंगे तो समझ लेना इनकी और ज्यादा रेड मरी हुई है। काल कोठरी में कौन बैठा, लाइट नहीं है, इतने भी क्या हो तुम लोग, जो तुम लोगों को चाय चाहिए है इनको केवल कोने पे बैठने के लिए चाहिए, हमको चाय बनाओ, हमको ये करो। मन तो करता है बहुत मारना था इनको, फिर क्या करें, अगर ये खुद से किचन में चले गए तो काम मेरे लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि इतने बर्तन करेंगे, इसलिए खुद ही करना पड़ेगा। तो ये जा रही थी मार्केट, ये भी आ गई, चाय पिएगी। पहले हम लोग यहीं से करते थे ना। अरे दीवान आंटे पूछ दो, दीवान कहाँ गया, इन्होंने इसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। मम्मी कह रही थी कि दीवान लगाना है, लेकिन क्या किया होगा, पापा ने कहा कि ये तो बर्बाद हो रहा है, इसका क्या ही करें, तो इसलिए हटा दिया। बाहर का मौसम और है कुछ ऐसा, उसके बीच जाएगी चाय, ये चाय बना क्या, चाय ओके, मेहमान आ गए, जल्दी खा, जल्दी खा, अंदर ले बाहर निकल, देखो कौन आया,
बाहर निकल जल्दी, वही तो अंतले जल्दी बाहर निकल। कौन आया ये वही तो, चलो ये सबसे निकम आदमी है, चाय पिएगा क्या? वही तो, ताई जी भी कहता ही था टाइम, ताई जी भी नहीं है। ले रे अंधले पकड़, तुम तो अंधेरा को ना कहा जाना सब, अंधेरे को नहीं। मम्मी बैठी हुई है, साहिल बैठा हुआ है, मम्मी क्या तैयार है? ये तो ये मुझ साहिल था, पीरे पी पे पे आज मैं दो बजे यहाँ पे, अगर एक बूंद की बारिश के गिरेंगे ना तो लाइट गल 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 क्या यक भी नहीं चाहिए सुबह से शाम तक रखे नहीं चाहिए। कल के दिन भर क्या हुआ था? नाराज थोड़ा कि तुम 5 मिनट में अच्छी सिटी में पहुंच सकता हर फैसिलिटी, और 5 मिनट तुम पहाड़ में पहुंच सकता। देहरादून 5 घंटे में, 5 घंटे के लिए मसूरी नहीं जैसे तू धनौटी पूरे पहाड़ी इलाके से। मम्मी इतनी चीनी हो रही है यार, मतलब इतनी ज्यादा चीनी हो रही है, ये करा कि नहीं होना? इधर के लेकर वहाँ पे रख, वहाँ पे रख वही तो बोल रही मैं। ये वो सन 65 वाली बात होगी, मतलब सिटी में सारा विकास करना है तो उसी एक जगह पे, उसी एक जगह पे गांव की तरफ यो विकास से बहुत जरूरी कब आवे ढंग हाल नहीं तब भी इनके और हाथ वाले अभी नहीं बैठ रही था ना एक ही घर में मेहमान है उनके करे कितने रुपए दिन क्यों पैसा नहीं पता होता बेसरा तो मैं दीदी चल भी नहीं बताया मैं किसान उठा मम्मी मैं तो खाम पैसा निकाल कताई निकाल खाली उठा ये तो मैं क्या भाई मम्मी आज लड़की बैठ चल ये लड़की को पिला एक चाय चल मैं पी के आ गया हूँ लड़की चलो बैठ मेरे बगल बैठ क्या अंधी कह रही पैसे बताते नहीं है मेरे को बिना बताए मेरे जेब में डाल जब मैं दुकान में सामान लूंगी तब करो क्या खाने के लिए आज एक दो दिन बहुत सारी चीजें हैं बोली कितने तब दिए ही क्या था लकी लग लीजिए पेट हाई है मुझे थोड़ी है मिठाई का डब्बा मिठाई दो जिसको चाय में चीनी कम हो रही है वो मिठाई खाओ मेरे पे देखो ना कितना स्लिम ट्रिम हूं मैं बिल्कुल उस वो खा के क्या क्या खा के बिल्कुल चीनी अवॉइड करके बता मैं कितनी पतली हो रही है लाइट लाइट मेरी तरफ करो लाइट मेरी तरफ करना मम्मी वो पापा था आरसा मम्मी वो पापा का था आरसा बचा रखा मैंने तीन सौ रखे ये मैंने इसको बोला मेरे को शुरू में मम्मी ने आते ही बोल दिया था कि पापा के लिए बचा तो मैंने पापा के लिए बचाया खत्म कर देता नहीं मम्मी ने कहा मुझे आते ही नहीं दिया उसने बोला था मैंने तो अचानक हम लोगों का प्लान बन गया है क्या क्योंकि हम लोगों ने अंधेरे से सब्जी मंगाई थी और बेवकूफ के बाद हरी सब्जी लेके सुनो जाओ तो हम इन धुरंधरों को पहले मैं पता क्या करते थे साइलेंट लोगों को ऐसे पकड़ते थे अभी इतने बड़े हो रखे चौड़ा भी हो रहे चेक कर सुनो सुनो भाई आपको लगे कि फोटो दिखानी पड़ेगी लकी अभी ये है इधर दिखाओ अभी लकी ये है इसकी फोटो दिखाओ ये 2 साल का था साहिल की फोटो सिर्फ मिर्च सब्जी और मिर्च लेके आना चल सोच क्या रहा जल्दी जाओ धनिया कुछ नहीं चलो सिर्फ मिर्च चढ़ी है सब्जी चढ़ी क्या नहीं कुछ है हाँ हाँ ये लाइट ही नहीं है कोई चीज कैसे करनी है पर गर्मी अंदर हो रही है काफी सारी देखो मेरा ये है छोटा सा इसका वो है बड़ा सा
कोई नहीं, भी शादी के दिन देखेंगे। मेरे पास छोटे थे।